जो अपने बढ़िया और गाइस ये है अपने पीछे अपना पूरा टूटा फूटा यार मतलब कुछ बचा ही नहीं, किधर से भी गिर जाते हम लोग। ये देखो भाई अपना पूरा टूटा फूटा बोट हाउस, अपना पहला घर गाइस, अपना ये पहला घर था। अच्छा हुआ एटलीस्ट चेस्ट बची है, चेस्ट में बहुत सारी चीजें है। जैसे ये देखो अच्छी डायमंड, यार किधर गए बाकी के डायमंड। ओके बाकी के डायमंड्स मैंने यूज कर लिए थे, सही में बताओ गाइस भूल गया क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं याद रखने के लिए। और वो देखो अपना मेन घर गाइस, उसके भी हालत बहुत ज्यादा गंदी, अभी आपको दिखा देता हूँ। एटलीस्ट गाइस अपना बीकन तो भाई सही सलामत है और घोड़ा भी सही सलामत है, दूसरा भी उधर। वो देखो भाई, और ये देखो अपने यार प्यारे से नए घर की हालत, सही में बता रहा हूँ इसमें ना हाल ही में 2-3 बारिश होया होगा बट ये तो खत्म ही हो गया। और सबको पता ही है इसका जिम्मेदार कौन है। ये देखो इधर कितने अच्छे से यार डेकोरेट किया था बट अभी कुछ बचा ही नहीं है, तो मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा कि ये घर के साथ लाइक ये जो डिस्ट्रॉय हुआ इधर क्या करूं। अगर आपके पास कुछ सजेशंस होंगे ना तो गाइस नीचे कमेंट करके बता दो। गाइस हम लोग ना एक काम करते हैं, अपने पास ना एक भी घर नहीं बचा तो हम लोग ना एकदम बढ़िया सा अंडरग्राउंड सीक्रेट अंडर वाटर अंडरग्राउंड जो भी है बेस बनाते। लाइक मेरे भाई को है ना वो मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो समझ लो बात खत्म है। तो इधर है ना अगर मैंने बनाया तो उसको है ना शायद पता चल जाएगा, थोड़ा सा दूर बनाऊं। एक काम करूं यार ये घर के नीचे ही, लाइक ये वाले घर के नीचे ही बना दूं, क्या इधर मतलब सही में वो ढूंढ ना पाए इस तरीके से अपने को बनाना है, नहीं तो वो फिर से अपने वर्ल्ड में तबाही कर देगा क्योंकि उसके वर्ल्ड में मैंने बहुत सारी चीजें तोड़ी लिटरली उसका भी। ये देखो भाई उधर एक बढ़िया सा ग्लोविंग स्क्विड है, और आई गेस हम लोग है ना इधर बना सकते हैं, लाइक उसको सही में बता रहा हूँ पता तो नहीं चलना चाहिए। ओके ये किधर से आया? ओ भाई ये ले। ऑलराइट और एक आया इधर से, एक फार्म बना सकता हूँ क्या मैं? सही में पता नहीं मुझे। ओके गाइस आई थिंक ये वाली जगह अच्छी, इधर एकदम प्लेन है, इधर भी मैं बना सकता हूँ बट मुझे लगता है इधर ही ठीक है ताकि भाई को ना पता नहीं चलेगा ये घर के नीचे और एक घर है। तो ये सीक्रेट बेस होने वाला है अपना और इसका एंट्रेंस भी गाइस एकदम सीक्रेट, इधर से मैं बनाऊंगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, सब चीजें जमा कर लेते हैं फटाफट से। और गाइस मैं थोड़ी चीजें जमा तो कर लिए बट आई गेस रात होने वाली है, उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, अपने को इधर बनाना है ना तो ये वाला एरिया है ना थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ओके कौन भाई ये किधर से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइक सीरियसली ये क्यों मार रहा है? ऑलराइट गाइस एक्चुअली रात हो चुकी है तो ये देखो ये मारने के लिए, और बस गाइस थोड़ा सा काम खत्म करके ना हम लोग सोने चलते है। ऑलराइट गाइस एरिया क्लियर कर दिया, अभी हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले ना सो लेते हैं। भाई बहुत सारे मॉब्स आ गए इधर, बेड नहीं है क्या? मुझे लगता है गाइस अपने घोड़े को, ओह भाई ये देखो बाजू में ही क्रीपर है, तो अभी हम लोग फटाफट से सो लेते हैं। किधर बेड इतने सारे तो थे इधर गाइस, लिटरली बता रहा हूँ अपने पास एक भी बेड नहीं है, तो अभी मुझे 5 बेड बनाना पड़ेगा सही में यार। और अभी हम लोग फटाक से सो जाते हैं। और गाइस कोई तो मुझे मार रहा है, तू मार रहा है इधर आ। मुझे लगता है गाइस गोलेम को ना थोड़ा सा हील करना पड़ेगा, गाइस गोलेम थोड़े से खराब हो गए तो इनको ना मैं हील कर देता हूँ। वो देखो वो बेचारा बहुत ही ज्यादा लगी उसको। ऑलराइट गाइस तो हम लोग फिर से अपने घर के काम में लग जाते हैं इधर। ओके ये देखो अपना यार वो वाला अभी तक है भाई अपना अंडर वाटर रूम। अभी एक काम कर देता हूँ मैं ना, इधर है ना छोटी सी जगह बना देता हूँ तीन। ऑलराइट गाइस तो अभी अपने को ना अपना कंस्ट्रक्शन चालू करना है, मुझे लगता है ऊपर से एक ब्लॉक छोड़ना है देन और इधर ऐसे 2 ब्लॉक और फिर अपने को ना ऐसे मतलब डिजाइन में स्टेयर्स लगानी है सो दैट सर्कल बन जाएगा। और अभी मैं ना गाइस ये वाला सर्कल है ना पूरा कंप्लीट कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके ये गलती से लगा दिया। और राइट ये देखो अपना स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक का सर्कल बन गया। आई थिंक इसके हाथ में क्या है, ये तो कुछ तो शेल है ना, वो ड्रॉप करेगा क्या? ये ड्रॉप तो किया इसने आई थिंक। ओके शेल मिल गया अपने को बट ये क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद नीचे स्पॉनर है। अभी गाइस अपने को ना 2 लेयर निकाल देने हैं ऐसे। यार मैंने हाथ में टॉर्च क्यों नहीं पकड़ी थी मुझे पता ही नहीं भाई, अभी मुझे अच्छे से दिख रहा है। अभी अपने को ना अंदर तक है ना 12 लेयर और डिग करने, आई होप कि अंदर लावा वगैरह नहीं निकलेगा। ऑलराइट तो अभी अपने को ना ये पूरा लाइक ब्लैक स्टेन ग्लास का वॉल बनाना है, एकदम बढ़िया सा लुक आ जाएगा भाई। और राइट गाइस थोड़ी सी और चीजें भी जमा कर लेता हूँ, और सही में बताऊँ टॉर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज्यादा इधर, और थोड़ा सा उजाला कर देते हैं हम लोग। और अपने को अभी ये जो फ्लोर है ना गाइस पूरा वुडन से कवर्ड कर देना है, मतलब ये निकाल देता हूँ फटाफट। राइट गाइस तो अभी अपने को जो साइड वॉल है ना ये पूरे मतलब अच्छे से लाइट ग्रे कॉन्क्रीट से ढक देने, मतलब एकदम बढ़िया सा लुक आ जाएगा। देखो इतना हो गया, अभी अपने को ना ऊपर है ना सी लैंटर्न लगाने, एक्चुअली अपन ने 20 सी लैंटर्न लाए थे तो इधर हम लोग 6 लगा देंगे
और फिर और कुछ चीजें लगेंगे ये वॉल डेकोरेट करने के लिए, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ऊपर चलते और बेड भी बना लेता हूँ एक। राइट गाइस, रात होने वाली तो हम लोग ना सबसे पहले सो लेते इधर अपने नए घर में। गाइस पहले सो लिए हम लोग, और अभी ये जो पीछे का भाग है ना, पीछे की वॉल, हम लोग ना पूरी स्ट्रिप से मतलब अपना जो स्प्रूस है उसको स्ट्रिप करके लगा देंगे। देखो गाइस अभी तक इतना हो चुका है, अभी अपने को ना इधर है ना थोड़े से सी लैंटर नहीं, पहले काम करते हम लोग ना इधर ग्लोस्टोन लगा देते हैं नीचे। गाइस एक्चुअली ये जो घर बना रहा हूँ ये देख के बना रहा हूँ जायपिक्सल का, तो उसने ना नीचे लगाया था, बट हम लोग इधर ऊपर लगा देते हैं। गाइस अभी हम लोग ना ऊपर सी लैंटर लगा देंगे। एक्जेक्टली 6 सी लैंटर लाए मैंने, क्योंकि सी लैंटर कम है, अपने को ना फिर से उधर जाना पड़ेगा अपना भाई ओशन मॉन्यूमेंट। और राइट गाइस ये देखो रूप भी बन गया, अभी एक काम कर देता हूँ ये टॉर्चेस हटा देता हूँ मैं इधर से। इधर हम लोग ना एकदम छोटा सा लाइक फ्लोर बनाने वाले, उसके लिए थोड़े से स्टेयर्स लगा देते हैं, और इधर ऐसे फेंस का हम लोग ना एक गेट बना देते हैं, मतलब गैलरी टाइप हो गया। सही में बताऊँ ये घर है ना छोटा है बट अच्छा लगेगा। राइट गाइस अभी अपना ना एक्चुअली बेसिक घर तैयार हो चुका है, तो मैं सोचा थोड़ा सा ना इधर स्टोरेज यूनिट वगैरह बना देता हूँ। अभी हम लोग ना यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मतलब स्टोरेज कर देते 3, और उसके ऊपर मतलब 3 बैरल 10 बटन, एकदम बढ़िया लगेगा। और फिर इधर ऐसे चेस्ट लगा देंगे हम लोग, आई थिंक ये सब खुलेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ये चेस्ट भी खुल रहे, बढ़िया से लुक आ गया। देन इधर 2 आर्मर स्टैंड गाइस है, मतलब बहुत ज्यादा सही लगेगा ये। ऑल राइट, तो डोर लगा दिया, एकदम बढ़िया लग रहा है। अभी मैं सोचा ये वाला जो बेड है ना ये ऊपर लेके जाता हूँ, इधर रख देता हूँ ऐसे सेंटर में, एकदम बढ़िया से बेडरूम में हो गया। अभी मुझे लगता है एक मिनट, अभी इसको हम लोग ना गाइस आर्मर भी पहना देते हैं, सही में बताओ। ऑल राइट एक हो गया, अभी इस पे दूसरे वाले पे हम लोग गोल्ड या फिर डायमंड चढ़ा, डायमंड है ही नहीं अपने पास, और थोड़े से लैंटर्न भी रख दू के इधर ऐसे लगा सकता हूँ। ऑलराइट इधर लगा सकता हूँ, और ये इधर से ना हटा देता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल हम लोग ना इधर ऐसे रख देते हैं, इधर फर्नेस लगा देते ऐसे, और फिर मुझे कुछ समझ में आ रहा है और क्या क्या लगाऊ, और थोड़ी सी इधर चेन लगा के ना हम लोग ना ऐसा मतलब चैंडलर झुम्बर टाइप इफेक्ट दे सकते है। ऑल राइट गाइस ये देखो मुझे लगता है अभी एकदम डेंजर सा इफेक्ट आ गया, और ये वाली चेस भी मैं हटा दूंगा इधर से। गाइस आई थिंक रात चालू है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये घर में जब से ना हम लोग समझ में ही नहीं आता रात है के दिन है, क्योंकि इधर अंधेरा होता है पानी की वजह से हमेशा। और राइट इसको मैंने पैक ही नहीं किया था, मुझे लगता है गाइस हम लोग ना इधर है ना ऐसे सोफा बना सकते है, और फिर इसके आगे ऐसे हम लोग ना इधर कारपेट लगा देंगे। ओके मुझे लगता है गाइस अभी अपना घर है ना बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी होगा। अभी अपने को एक काम करना है, लाइक अपने को एंट्रेंस बनाना है, तो मैं सोचो हम लोग ना इधर से बाहर चलते है, यही अपना मेन एंट्रेंस होगा। और अभी हम लोग सीधा सीधा, ऑल राइट गाइस इधर से पानी आया, मुझे लगता है अपने को ना थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा एंट्रेंस बनाना चाहिए, लाइक ऐसे। देखो इधर से अभी किधर बाहर निकलेंगे, ओके ये देखो गाइस इधर से अपना एंट्रेंस होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऑल राइट ये लो अभी हम लोग आ गए डायरेक्टली अपने घर में, तो अभी मैं एक काम कर देता हूँ ये एंट्रेंस है ना इसको ढक देता हूँ बाहर। राइट गाइस तो अभी अपने पास है ना भाई स्टिकी पिस्टन है, तो अभी हम लोग ना इधर एंट्रेंस बनाने वाले, तो सबसे पहले ना अपने को इधर ना 2 ब्लॉक टिक करना पड़ेगा, ओके और एक ब्लॉक टिक कर लेंगे। ओके गाइस तो अभी हम लोगों ने इधर पहले 2 पिस्टन लगा देते हैं। ऑल राइट गाइस तो ये देखो हम लोगों ने ना अंदर से बना दिया, अभी मैं ये सर्किट को ना इधर पैक कर देता हूँ, और उसके बाद में गाइस हम लोगों ने इधर ग्रेवल लगा देंगे। भाई यार ये पीछे से बहुत मार रहे, वो देखो कितने सारे ग्लोइंग स्क्विड है मस्त मस्त। एक्चुअली रात हो चुकी है तो मुझे लगता है सबसे पहले सो लेना। ऑल राइट गाइस सुबह होगा, ये देखो अपना नया प्यारा घर, इसमें एक्चुअली है ना मुझे बहुत सारा डेकोरेशन करना है, लाइक फ्लावर प्लॉट में थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लगा देने, देन किचन बनाना है, और ये जो गाइस अपना मेन एंट्रेंस है ये देखो ये, तो इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा है पानी आ रहा है ना, तो इसके वजह से ये खराब होता है, मतलब इधर हम लोग लीवर वगैरह नहीं लगा सकते। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट में बता देना कि हम लोग ना ऐसा क्या यूज कर सकते हैं जिससे ना अपने ये जो पिस्टन है ये देखो ये 2 पिस्टन, ये वाले पिस्टन एक्टिवेट हो जाए बाहर के साइड से, मतलब ये वाले साइड से। गाइस मुझे सही में आइडिया नहीं आ रहा है कैसे एक्टिवेट करना है उसको, बट अभी के लिए मैं एक काम कर दूंगा, लाइक इधर है ना ऐसे ओपन तो नहीं रख सकता, के लिए गाइस मैं इधर है ना ऐसे दरवाजा लगा दूंगा, और फिर इसको है ना हम लोग है ना ऐसे ढक देंगे। एक्चुअली मुझे पता है ये दिख रहा है, तो अभी के लिए हम लोग ऐसे ही रख देंगे इसको, और फिर मुझे लगता है हम लोग है ना ओके ऐसे इधर से बंद कर सकते हैं, बट फायदा नहीं है, बट ठीक है ये दरवाजा ऐसे ही लगा देखता हूं। और गाइस देखते हैं कि अपना घर है ना बाहर से कैसे लगता है। ओ भाई साहब बाहर से एकदम डेंजर लग रहा है, बस इसमें थोड़ा सा ना डेकोरेशन की कमी है, तो ये बाहर से भी बहुत ज्यादा सही लगेगा। ओके गाइस कोई तो मुझे लगता है ट्राइडेंट मार रहा है, ट्राइडेंट मार रहा है कि क्या है, एरोज है, समझ में नहीं आ रहा। ओके इसके पास तो ट्राइडेंट है भाई, इंचेंटेड ट्राइडेंट है, मुझे दे दे, मुझे दे दे।
और गाइस कोई नहीं, इसने ड्रॉप तो नहीं किया, इधर किधर तो मारा था, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो अभी हम जो काम करते घर के अंदर चलते हैं। तो गाइस ये हो गया अपना अंडर वाटर सीक्रेट बेस। एक्चुअली ये मुझे पता है ऐसे दिखता है दूर से, मतलब किसी को भी समझ में आएगा इधर घर है, बट मेरा भाई अगर आता है तो वो बस इधर उधर ही देखेगा, लाइक इसके नीचे देखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो अपना घर है ना ये टूटा फूटा वो मैंने वैसे के वैसे ही रखा है और उसके नीचे ये वाला अपना नया सीक्रेट अंडरवाटर बेस बना दिया है। तो मुझे गारंटी है वो नहीं चेक कर सकता इस साइड से, मतलब इतना वो डाउटफुल भी नहीं है। अगर मैंने इस साइड से ढक दिया तो उसको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका दरवाजा भी इस साइड से मतलब लिटरली पता ही नहीं चलेगा और पानी में इतना कुछ दिखता नहीं है। तो गाइस ये वाला घर मुझे लगता है सही सलामत रहेगा, ये कभी नहीं टूटेगा। तो गाइस आज के लिए इतने करते हैं, आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर भी रुकता हूं गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।